अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा प्रपोजल के या कवर लेटर के लेआउट के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका लेआउट किस तरह से है। ऑब्वियसली बात है, आपने सारी चीज़ें लिखी हैं, 5 स्टेप मैंने आपको पीछे बताए कि क्या होने चाहिए, लेकिन अब बात ज़रा यहाँ पे लेआउट और लेआउट में क्लीननेस की आ रही है। तो मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने जो लेआउट लिखा है या इस पूरे प्रपोजल का लेआउट है, उसके अंदर एक कंप्लीट स्पेसिंग है, कोई भी चीज़ मर्ज्ड नहीं है एक दूसरे के साथ। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, सारी चीज़ें मतलब दूर से भी नज़र आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, राइट। अगर मैं इसके अंदर स्पेसिंग नहीं डालूंगा, कुछ इस तरह से इसको राइट अप करूंगा, तो यहाँ पे देखें मेरा जो प्रपोजल है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, विच इज़ नॉट गुड। और क्लाइंट इसको देखते ही पता नहीं क्या समझेगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है इसने, वो बहुत ज़्यादा एक ही दम से इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा इस तरह से प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट बात है, कॉल टू एक्शन है जिस पे मैं इंप्रेशन जमाना चाह रहा हूँ क्लाइंट के साथ, उसके साथ मैंने देखें यहाँ पे एक टिक आइकन लगा दिया, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी मैंने वो टिक आइकन लगाया था आप लोगों के सामने। अब ये टिक आइकन कहाँ से मिलेगा, सिंपल आप जाएं टिक आइकन यहाँ से सर्च करें, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टिक आइकन्स मिलने चाहिए। आई डोंट नो वाई क्यों नहीं मिल रहे। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो है, अच्छा नाउ शुड वी सर्च, तो यहाँ पे देखें ये आइकन्स नज़र आ गए। सिंपल मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करना है, जैसे यहाँ पे ये टिक आइकन है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जहाँ पे भी मुझे पेस्ट करना चाहिए। लेट्स से मुझे यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ पे देखें ये टिक आइकन मैंने पेस्ट कर दिया उसके साथ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रपोजल को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं ताकि वो अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से शो हो क्लाइंट को, और प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आपने अपने प्रपोजल का जो लेआउट है वो अच्छे तरीके से रखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।